नमस्कार, दनिशपत के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र बसंत। दोस्त, जानते हैं इस भारत देश का दुर्भाग्य यही है कि जब तक ले यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आंदोलन न की जाए, उसके लिए लड़ाई न की जाए, तब तक ले कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि फाइनली कई सैकड़ों टीचरों और स्टूडेंटों के कड़ी मेहनत के बाद और उनके आंदोलन के बाद रेलवे डिपार्टमेंट के कान के जुड़ेंगे। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए जिन अभ्यर्थियों का आवेदन उनके फोटो और सिग्नेचर गलत होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, रेलवे द्वारा उन्हें एक बार फिर से मॉडिफिकेशन लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जहां पर अभ्यर्थी अपना स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे अगर अधिक आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप सरकारीexam.com पर जाकर इसको देख सकते हैं। आपको बता देता हूँ कि जनवरी 2019 में इस फार्म के लिए रिक्वायरमेंट आया था, लेकिन पूरे 2022 होने को हैं और अभी तक रेलवे जो डिपार्टमेंट है सिर्फ यही निकाला है कि जिनका गलत हुआ है उनका दोबारा जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, दोबारा वो अपलोड कर सकते हैं। ये केवल एक नोटिफिकेशन है। आपको बता दें कि जो लोग 2019 में इस फार्म को अप्लाई किए थे, भरे थे, उनकी शादी भी हो गई और शादी के बाद उनके दो बच्चे हो गए, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट के अभी तक जो है कान पर जू रेंगा है, और सिर्फ इतना कि बस सुधार किया जाएगा और जिनका गलत है फिर से उनको रिक्वायरमेंट किया जाएगा। उम्मीद है देर ही आए मगर दुरुस्त आए, लेकिन आए ना जी। बिना धांधली को अगर आप इस एग्ज़ाम को लेते हैं तो सर कई बेरोजगार युवकों का और युवतियों का भविष्य जो है बच सकता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट 2019 में आई थी और रिक्वायरमेंट का इंतज़ार करते करते कई अभ्यर्थियों का तो जवानी में जंग ही लग गया है। उम्मीद है कि सरकार जो है इसको बिना धांधली कराए हुए अच्छे से एग्ज़ाम को लेगी। बाकी आप भी दर्शक इस हमारे चैनल दनिशपत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगा तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।